हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागी। भाई स्टार्ट करते हैं, पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन जो होता है उसका आप नेचर दिखेगा तो वर्सटाइल मिलेगा, ठीक है। वर्सटाइल नेचर है, बहुत के साथ ये जुड़ता है। देखिए मैक्सिमम जो होता है इसका कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड देखिएगा ना तो वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर की वजह से जो है ये जो कार्बन कंपाउंड है वो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वेरिएशन उसका मिलेगा। इसीलिए क्या है कार्बन किस तरह क्या किस फॉर्म में है कार्बन, तो कार्बन को आप पाइएगा कैसे, तो वर्सटाइल नेचर में पाइएगा, बहुत सा पाइएगा। देखिए कैसे कैसे होता है वो चीजें। एक होता है कि कार्बन के पास रीजन क्या है, तो इसके पास तो नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, और साथ क्या होता है ना कि ये कैटिनेशन देता है, मतलब कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर एटम, विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, यानी सेल्फ लिंकिंग। कार्बन अपने साथ कार्बन से जुड़ जाएगा, इस तरह से यूं जुड़ते चला जाएगा, ठीक है, या फिर अदर से भी जुड़ सकता है। तो कार्बन एटम है द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म करता है बॉन्ड किसके साथ, विद अदर एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के अदर एटम के साथ ये फॉर्म कर लेगा बॉन्ड। ये इसके पास एक यूनिक एबिलिटी है सेल्फ लिंकिंग का, ठीक है, और गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल इधर इन ए चेन या रिंग फॉर्म। और इस तरह से ये जुड़ के एक लंबा चेन का फॉर्म में देगा, या फिर ये आप पेंटागोन हेक्सागोन पड़े होंगे, या फिर चेन के फॉर्म में बनाएगा जो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक वो सब एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह 11-12 आपको शायद पढ़ना होगा, इसमें भी होगा शायद। तो ये इस तरह से ये फॉर्म करेगा, ठीक है, या तो रिंग के फॉर्म में करेगा या तो चेन के फॉर्म में करेगा, सेल्फ लिंकिंग करके एक आपका क्या देता है लॉन्ग चेन क्रिएट करता है, लॉन्ग चेन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसमें देखा जाता है, ठीक है। अगर आप यही चीज आप किसी और में देखिएगा, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आप देखिएगा तो लंबा दूर तक नहीं जाएगा, जैसे सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ अगर कनेक्ट करता है तो वो फॉर्म जो बनाएगा कंपाउंड तो 7 से 8 एटम का चेन ही बना पाता है, ठीक है, और बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये होल्ड करके रख भी नहीं पाता है किसी को अगर बांध के रखता है तो इसलिए क्या होता है कि इसमें आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। किस तरह से दिखेगा आगे बताएंगे, जब चेन ब्रांच जाएगा तो किस तरह से वो करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो कर पा रहा है तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, ठीक है ना, वो चूंकि अटैच बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्यों हिंस ये स्ट्रॉन्ग है जिसके वजह से मतलब वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड बना के रखे हैं तो कोई जल्दी तोड़ नहीं पाएगा ना, तो वो स्टेबल है, दैट इज वाई मिनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर, इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि बहुत सा कार्बन एटम जो है एक दूसरे से यूं कार्बन एटम बहुत एक दूसरे से लिंक हो पा रहा है। अभी ये पूरा का पूरा बैलेंस है कि नहीं इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो अब बात की बात है, लेकिन ये कार्बन एटम लिंक कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक स्टेप के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए, तो ये कार्बन एटम लिंक कर पा रहा है टू ईच अदर से। अब देखिए बात ये होता है, चूंकि कार्बन क्या अगर एटॉमिक नंबर आप देखिएगा तो 6 होता है, सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर देखिए तो कितना होता है 14 होता है, तो कार्बन का जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो क्या होगा 2-4 यानी 4 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी ये कार्बन का है, अगर आप सिलिकॉन का इसी तरह से लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 16 यानी 6 इसके लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये देख रहा है क्या है के एल एम एन, ये क्या है ये के सेल को डिनोट कर रहा है, ये एल या एम, तो यहाँ अगर न्यूक्लियस है सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके बाद इसके अराउंड क्या होता है सेल होता है, सब सेल भी होता है, ये सब ऑर्बिटल भी होता है, ये सब आगे पढ़ना होगा आपको, ऑर्बिटल वगैरह भी है, स्पिन वगैरह उससे डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम भी सब है सब कुछ, ठीक है, छोड़िए उतना नहीं जानना आपको, अब सिर्फ इतना जानना है कि ये जो सेंटर से के एल एम, तो आप जितना दूर जाइएगा उतना सेंटर से दूरी बनाइएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज है, या प्रोटॉन पॉजिटिव, तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है एक दूसरे को होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअली आप जितना बड़ा वाला लीजिएगा, जैसे अगर सिलिकॉन ले रहे हैं तो ये ज्यादा दूर हो गया सेंटर से, पॉजिटिव न्यूक्लियस का जो सेंटर में रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, तो एक्चुअली वहां से क्या होगा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, तो अगर दूर ही जाइएगा तो आप जल्दी वो डिटैच हो जाएगा, क्योंकि वो दूर हो रहा है ना, दूर की वजह से अट्रैक्ट उतना स्ट्रॉन्गली करके नहीं रखेगा, और ये चूंकि छोटा है इसलिए बोल रहा है कि ये स्मॉल साइज में है दिख रहा है, क्योंकि के एल दो ही है, तो इस वजह से ये क्या करता है इसका न्यूक्लियस जो होता है वो होल्ड करके रखता है स्ट्रॉन्गली जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए हम ये कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डाल दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट ही तो पूरा करना होता है ना, बेसिकली आप क्या पढ़ते हैं कि CH4 है, अगर मान लीजिए हम ये CH4 बनाए, तो CH4 बनाते हैं आप, तो पिछला भी बनाए थे तो ये एक एक दिया, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 था, 6 एटॉमिक नंबर इसका लिखेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो के एल एल में 4 था, तो 4 और लेके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अब ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये जो है जो ऑटरमोस्ट में 4 और आया तो उसको होल्ड इजिली कर पाएगा जब उसका न्यूक्लियस से दूरी कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से पॉजिटिव और इधर नेगेटिव तो अट्रैक्ट करके आएगा, और ज्यादा दूर होगा तो थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा, तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इस वजह से ये चीज नहीं हो पाता है सिलिकॉन में, और ये चीज कार्बन वाला में हो पाता है, ठीक है, आप लिंक कर रहे होंगे। अब देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, तो जब कंपाउंड ऑफ कार्बन जो होता है लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दिए, ओनली केवल कोई भी अगर आप कार्बन का कंपाउंड देख रहे हैं, जब कंपाउंड ऑफ कार्बन यानी कोई भी कार्बन का कंपाउंड देखिए, अगर वो लिंक्ड है केवल सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको पढ़ाए थे, तो
उस केस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। और नॉर्मली ऐसा जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है नॉर्मली क्या होता है, बहुत रिएक्टिव नहीं होता। अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखिएगा तो जब कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल ऑफ डबल हैविंग डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, हैविंग डबल हो या फिर क्या हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में। मान लीजिए कोई एक कंपाउंड नहीं है जिसमें एज ए सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, और बहुत से कंपाउंड सब में सिंगल सिंगल है तो आपका सैचुरेटेड हो जाएगा। और कोई कंपाउंड है जिसमें डबल भी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। कोई जरूरी नहीं है कि सब होना चाहिए, अगर एक भी डबल हो गया तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक। अब ये आपको हम रिलेट करके बता दिए, कार्बन जो होता है कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, चार होती है। तो ये इसके वजह से ये क्या है, कैपेबल है बॉन्डिंग करने के लिए भी चार अदर एटम्स है। अगर मान लीजिए आपके चार आपका वैलेंसी है, मान लीजिए आपके पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चार ही चाहिए ना, तो चार अदर कार्बन से ये ऐड करने के लिए क्या है, चार अदर कार्बन एटम से ये क्या है बॉन्ड कर सकता है। मतलब अब देखिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है कि चूंकि क्या है, चार इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार ले सकता है तो टेट्रावैलेंसी है, ये टेट्रावैलेंसी है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार लेके ऑक्टेट पूरा कर ले तो टेट्रावैलेंसी इसमें नेचर देखने को मिल रहा है कार्बन में, और साथ में कैटेनेशन देखने को मिल रहा है जो आपको बताएं। तो ये दो नेचर जो होता है यही इसको क्या करवाता है, वर्सेटाइल नेचर कार्बन को करवा देता है कि वर्सेटाइल नेचर में इसको आपको इसको पा सकते हैं अपने एनवायरमेंट और अपने एटमॉस्फेयर और अपने सराउंडिंग में, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, पहले देखा गया था कि जो कार्बन का कंपाउंड होता है एक्चुअली ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता है, जो भी कंपाउंड में कार्बन पाया जाता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। पहले ये था थॉट कि सिर्फ ये लिविंग में होता है, ठीक है, लिविंग से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है कि एक होलर करके थे साइंटिस्ट, उसने क्या किया कि अमोनिया साइनेट है ये, ठीक है, अमोनियम साइनेट है, अमोनिया NH3 होता है, अमोनियम NH4 होता है, तो अमोनियम साइनेट है ये। इसको जब हीट किया गया लेबोरेटरी में तो क्या हुआ कि ये आपको फॉर्म हुआ NH2CO NH2, मतलब ये क्या है, ये आपका यूरिया है, ये आपका यूरिया फॉर्म हुआ। अगर हम इसमें देखते हैं इसको अगर अलग अलग कीजिएगा तो एक्चुअली है क्या कि NH4 प्लस है, ठीक है, NH4 प्लस है, OCN माइनस है, ठीक है। तो अब NH4 में आप अलग अलग अभी इसका बॉन्ड बना के देखिए तो नाइट्रोजन के ऑटर मोस्ट में कितना होता है, सात होता है, तो दो पांच ये तीन लेगा, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ऑटर मोस्ट में कितना होता है, अगर नाइट्रोजन का आप एटॉमिक नंबर लिखेगा तो सात होता है ना जी, सात होता है, तो ये क्या होगा, ये देखिए सात होता है तो दो और पांच यानी इसको तीन चाहिए। तो ये क्या किया, एक लिया, दो लिया, तीन पूरा हो गया। लेकिन चूंकि ये प्लस है मतलब एक दे चुका है, मतलब ये आप इसके आउटर मोस्ट का कितना इलेक्ट्रॉन है, चार, तो इसको चार जरूरत होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो NH4 प्लस के लिए चार बॉन्ड ऐसे बन गया, ठीक है। और OCN माइनस के लिए C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ये ऐसा बॉन्ड बनाता है और ये नेगेटिव चार्ज के साथ होता है पूरा OCN, ठीक है। जब हीट कीजिएगा तो इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब इस तरह से क्यों फॉर्मेशन हुआ आगे हम बताएंगे तो आप रिलेट कर पाएगा चीजों को, ठीक है। अभी भी क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितना भी कार्बन का कार्बाइड का फॉर्म पाया जाता है या कार्बन का ऑक्साइड वाला या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वाला, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सैचुरेटेड वगैरह पढ़ा है आपको, अनसैचुरेटेड, तो ये क्या है, C2H6 कैसा कंपाउंड है, C2H6 सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं। मान लीजिए कि इसको आपको लिखना होगा तो किस तरह से लिखेगा, जैसे कार्बन है, दो कार्बन है तो सबसे पहले दो कार्बन लिख लीजिए, उसके बाद अब इसको हम सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड से दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे। अगर मान लीजिए हम डबल बॉन्ड से सिंगल इसको दिखा देते हैं, हमको नहीं मालूम कि कैसा बॉन्ड है, हम डबल बॉन्ड से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए H6 है, मतलब अगर हम इसमें चार चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, इसको चार चाहिए तब ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो इसको एक इस हाइड्रोजन से मिल गया, एक यहां से मिल गया तीन और एक इससे मिल गया चार। अगर हम दो कर देंगे इसके बीच में तो पांच हो जाएगा ना, तो पांच तो लेगा नहीं क्योंकि चार ऑलरेडी है, पांच लेके नौ हो जाएगा, ऑक्टेट के लिए क्या चाहिए आठ चाहिए, तो इससे एक ही लेगा और तीन इससे लिया तो आठ हो गया ना, पहले से चार था तीन इससे, चार तीन सात और एक इससे लिया तो आठ, इसलिए इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरह से ये बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया था कि कैसे शेयर होता है, वो आप देख के कर लीजिए, क्योंकि इसका नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहेगा तो ये एक ले लिया, तो हीलियम वाला कर लिया दो, तो सब इसके ऑटर मोस्ट में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन का, इसमें कार्बन में कितना है चार, तो चार से दिखा दिए तो ये हाइड्रोजन को एक दे दिया, यहाँ दे दिया, ठीक है, यहाँ दे दिया, ये चार इसके पास था, चार तीन सात हो गया और एक इससे लिया, तो ये टोटल क्या हो गया, इसका आठ हो गया। उसी तरह से वो सेट कर सकते हैं C2H4। एक्चुअली इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अभी हम आगे आपको जब बताएंगे ना तो आपको नाम उतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है बताइए, एथेन है, ये क्या है आपको इथीन है, उसका ग्रुप होता है। देखिए अल्केन का लिखेगा तो CnH2n+2 लिखना होगा, अल्कीन लिखना होगा तो CnH2n-2 लिखना होगा, अल्काइन लिखना होगा तो CnH2n,
ये जो होता है अल्काइन का ग्रुप का डिनोट करता है, ये जितना अल्कीन का ग्रुप का डिनोट करता है। तो ये देख रहे लास्ट में इन हो गया, आइन हो गया और ये एन हो गया। तो ये मेथेन का है, ये आपका यहाँ पे आप देखे एन का वैल्यू टू रखे तो दो, और टू यहाँ मल्टीप्लाई किया तो फोर हो गया ना, तो ये कितना हो गया आपका। अभी आएगा आगे तो बताएंगे तो आपको क्लियर होगा, मोस्ट मैक्सिमम क्लियर होगा आपका, डॉट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए C2H4 है, तो अगर हम इसको आप बॉन्ड अभी देखिए बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि हम इसके बीच में सिंगल रखते हैं तो दो दो हाइड्रोजन यहाँ जाता है, तो पहले से चार है कार्बन के पास आउटर मोस्ट में, अब चार और चाहिए तो चार और एक पांच इससे लिया, एक इससे लिया छह, और एक इससे अगर एक ही बनाते तो सात होता, जबकि आठ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे डबल बनेगा। यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन आ गया, इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं। इसका आउटर मोस्ट सब क्या है ऑक्टेट फुल्ली है, नियर बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसका फुल्ली है। अब इसी देखिए C2H2 है, थाइन ग्रुप है, इसमें कितना बनेगा, अगर एक हाइड्रोजन तो चार इसके था और एक इससे ले लिया तो पांच हो गया। अगर मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन इधर रख देते हैं तो पांच और एक छह, ये कहां जाएगा, फिर नहीं होगा हो पाएगा फुल्ली, इसलिए एक इसको दिए एक इसको दिए, तो चार था पहले से, चार एक पांच हो गया। अब इसके बीच में पिन बोर्ड बना दिया तो पांच तीन आठ हो गया, ये भी चार पहले से था एक इससे लिया पांच और तीन इससे ले लिया तो आठ हो गया ना फुल्ली। इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे C2H4 था तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन अपने बीच में दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक हाइड्रोजन से लिया तीन, एक इससे लिया चार, ठीक है, और इसके पास चार पहले से था तो एक दो तीन चार, और एक हाइड्रोजन से लिया पांच, एक इससे लिया छह और इस दो इससे ले लिया छह और दो आठ, तो ये पूरा एक साथ लिख दिया, हाइड्रोजन के पास एक था, ये कार्बन के पास कार्बन से एक ले लिया, तो ये पूरा ऐसे करके एक दिखा दिए। इसी तरह से इधर दिखा दीजिए, इसके पास क्या है, कार्बन के पास एक दो तीन चार, चार है पहले से, एक हाइड्रोजन से लिया पांच, एक ये लिया छह और दो इससे ले लिया, तो पूरा ये आठ दिखा दिए, ठीक है। अब चेन ब्रांचेज एंड ब्रिंग आपको आगे बताते हैं, ये तो पूरा आपको क्लियर होगा।